हाय एवरीवन, तो आज को सीरियस बात करते हैं। चैनल शाई स्टाइल और मासा यूट्यूबर का चैनल हैक हो गया है, जो बहुत ही बुरी बात है। उन्होंने अपनी मेहनत से ये चैनल बनाया था दोनों ने भी, और हैकर्स लोगों को देखो, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का चैनल हैक कर दिया। अब उनकी रोजी रोटी भी उसी से थी। मैंने इंस्टाग्राम में जब शाई को देखा, वो रो रही थी अपने चैनल को लेकर बहुत ज़्यादा, ऑफकोर्स क्योंकि वो उसकी मेहनत है। तो शाई स्टाइल इंस्टाग्राम में लाइव वीडियो बनाकर उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि जो भी उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो उन्हें जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। जैसे कि अगर हैकर्स लोगों ने उनकी मेन जो प्रोफाइल है वो हटा दी है, और अब उसमें वो वीडियोस डालते जा रहे हैं, तो हमें ना उनके जो वीडियोस हैं, अननेसेसरी जो वीडियोस, उन पे रिपोर्ट करना है, ना कि शाई स्टाइल और मासा यूट्यूबर के जो उनके खुद के ब्लॉग्स और वीडियोस हैं ना, उनको रिपोर्ट नहीं करना है, अदरवाइज उनके चैनल को हार्म हो जाएगा। ये हैकर्स लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी मैंने बस 5 मिनट पहले इंस्टाग्राम में एक फेमस न्यूट्रिशनिस्ट है जिनका पेज हैक कर दिया है, और एक और एक थी अन्वेषा जिनका चैनल है, उनका भी पेज हैक कर दिया था। मतलब दूसरा पेज बनाकर वो लोग पता नहीं क्या करते हैं, अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं करकर ये हैकर्स लोग ऐसे ही सब काम करते हैं। तो स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है अभी तक? कितने हैकर्स लोग ऐसे काम कर रहे हैं अभी तक? बड़े बड़े जो चैनल्स होते हैं उनकी ही चैनल को हैक करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा इनकम उनका एक्चुअली बन गया होता है। तो ये हैकर्स लोग हैं ना, बड़े चैनल को ज़्यादा टारगेट करते हैं, ना कि छोटे चैनल को लेकर। तो जैसे कि 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे मासा यूट्यूबर के और शाई स्टाइल के, तो जब मैंने उनका वीडियो देखा तो वो कंटिन्यूस अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, क्योंकि अभी वो यूट्यूब में नहीं कुछ डाल सकते, तो वो इंस्टाग्राम की स्टोरी से वो अपने व्यूअर्स से कनेक्ट हो रहे हैं और बता रहे हैं कि आप जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट करो, और जो भी अननेसेसरी वीडियोस वो हैकर्स डाल रहे हैं ना, उस पर रिपोर्ट करो, ना कि उनके खुद के वीडियोस को। अगर उनके खुद के वीडियोस को हमने रिपोर्ट किया तो उनके चैनल को हार्म हो सकता है। तो गाइज, लेट सपोर्ट देम। जैसे कि ये हैकर्स लोग हर जगह से फैले हुए हैं, बैंक से लेके हर जगह से, किसी के भी बैंक को लेकर वो पीछे पड़ जाते हैं, बैंक डिटेल्स को लेकर फ़ोन करते हैं कंटिन्यूस, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कुछ डिटेल्स वो गूगल के थ्रू या कहीं से भी है ना, वो लोग हैक कर लेते हैं, और पब्लिक के कितने सारे लाखों रुपए वो जब कर लेते हैं अपने हैक को लेकर, अपने टेक्निक को लेकर वो लोग इस तरह के काम करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट है ना कुछ ऐसी टेक्निक बनानी चाहिए कि हैकर्स लोगों का पूरी तरीके से काम खत्म हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन निकलना ही चाहिए। हैकर्स लोग है ना, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए ये सब करते हैं। ऐसा कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए कि अगर ये हैकर्स लोगों का दिमाग है कि ये हैक करना है किसी का चैनल, किसी का बैंक, किसी का ये, किसी का वो, तो ऐसा सोल्यूशन भी तो होगा ना कि ये टोटली ख़त्म हो जाए। उनको अपने मेहनत पे भरोसा नहीं होता ना, वो ऐसे ही काम करते हैं, तो ये हैकर्स लोगों को है ना टोटली ख़त्म और करप्ट हो जाना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप शाई और मासा यूट्यूबर के चैनल को सपोर्ट करें। अननेसेसरी जो भी वो वीडियोस डाल रहे हैं ना, कार्टून वाले वीडियोस वो डाल रहे हैं, उनको रिपोर्ट करो, और जितना हो सके उतना उनका चैनल वापस आएगा इस तरीके से। अगर हम ऐसे सोशल मीडिया में डालेंगे, ट्विटर का ट्वीट करेंगे, तो भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है उनको।